सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेडिको। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला आइसोमरिज्म, जो ये लेक्चर थर्ड होने वाला है हमारा बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर का। प्रीवियस लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर का बात करा था, बहुत ही डिटेल लेक्चर की। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर से देख लें, तभी आपको बेहतरीन से समझ में आने वाला आगे लेक्चर के दौरान। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं आइसोमरिज्म। पहले नाम से आपको क्लियरली मेंशन होगा यहाँ पे आइसोमर। आइसो मीन्स सेम, आप सभी जानते हैं आइसोमर क्या होता है, सेम होता है। वैसा कंपाउंड जिसमें कुछ ना कुछ चीज तो सेम होगा, कुछ प्रॉपर्टी सेम होगा और कुछ प्रॉपर्टी डिफर करेगा। तो हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, कौन सा प्रॉपर्टी सेम होगा और कौन सा प्रॉपर्टी डिफर करेगा। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आइसोमरिज्म को अगर हम डिफाइन करें तो इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा, कंपाउंड हैविंग, ध्यान से देख रहा है, कंपाउंड हैविंग सेम सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गया यहाँ पे, केमिकल एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बहुत अच्छा डिफिनेशन है, ध्यान से देखें। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। पहले जानते हैं कंपाउंड क्या हुआ। अगर आप पे कोई एग्जांपल, सपोज मैंने एग्जांपल लिखा C2H6, C2H6 क्या हुआ, एक कंपाउंड हुआ। कैसे कंपाउंड हुआ, क्योंकि अगर दो से दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर जो एक चीज बनाते हैं ना, उनको कंपाउंड कहते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ दो कार्बन एटम और छह हाइड्रोजन एटम मिलकर कुछ ना कुछ तो बना रहा है। इसको हम लोग अगर जनरल भाषा, मैंने नोमेनक्लेचर कर दिया तो अब इसका नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो। जनरली इसका क्या नाम हो जाएगा, इथेन नाम हो जाएगा। ठीक, तो इथेन एक क्या हुआ, कंपाउंड हुआ। इथेन कंपाउंड हुआ कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफर कर जाए। क्या डिफर कर जाए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर कर जाए। कैसा डिफर करेगा, तो हो सकता है कि इसमें कुछ पोजीशन में चेंज आ जाए, कोई रिंग में चेंज आ जाए। ठीक है, कुछ ऐसा एटम के कारण जो चेंजिंग आ जाए, उसी को हम लोग पढ़ेंगे कि क्या चीज हुआ, उसमें क्या डिफरेंट आया, ताकि इसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है चेंज कर गया। ठीक है, तो आपको आइसोमरिज्म का जो है डिफिनेशन क्लियर है। अब देखिए, इसका दो टाइप होता है, दो टाइप तो होता है, कौन कौन सा टाइप होता है क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे। एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल और एक होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल और कंस्टिट्यूशनल इसको कहते हैं, और एक होता है हमारा स्टीरियो। देखिए, स्ट्रक्चरल और कंस्टिट्यूशनल कहने का मतलब, कंस्टिट्यूशन मतलब होता है कनेक्टिविटी। क्या होता है, कनेक्टिविटी मीन्स कैसे एक एटम दूसरे एटम से कनेक्ट कर रहा है, तो उसको हम कनेक्टिविटी कहेंगे। तो एक स्ट्रक्चरल, अगर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या हुआ, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का कहीं डिफिनेशन पूछ दिया आपसे, तो क्या कहोगे, कंपाउंड, पहले तो लिखोगे आप, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज अ टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इन विच कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड, मैंने आपको बताया कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट कंस्टिट्यूशन के कारण, डिफरेंट कनेक्टिविटी के कारण जो बनेगा उसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहेंगे। वहीं पर दूसरा आता है टर्म स्टीरियो। स्टीरियो में क्या रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसमें और क्या सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी इसमें सेम रहेगा, ध्यान से देखना है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा। लेकिन एक जगह जो डिफरेंस आता है, इसमें कहाँ आता है, स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ अभी। देखिए, स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफर करेगा, जबकि स्ट्रक्चरल जो होता है उस सेम मॉलिकुलर फार्मूला क्या रहेगा, इसमें सेम मॉलिकुलर फार्मूला, लेकिन इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, सेम नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम नहीं होगा, और इसमें हम स्पेस की बात करते ही नहीं है, क्योंकि ये 2D प्लेन में हम करते हैं, स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं। स्पेशियल अरेंजमेंट कहने का मतलब है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक एग्जांपल आपको दिया गया। ठीक है, जैसे कि अगर स्टीरियो की बात करते हैं, तो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच हाइड्रोजन हाइड्रोजन और CH3 CH3 कहाँ इस तरह से लगा हुआ है। लेकिन अगर दूसरा अरेंजमेंट कर दे, तो ये CH3 CH3 ऐसे हो गया, एक हाइड्रोजन ऐसे हो गया। ठीक है, आपको अगर ध्यान से समझाएं तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। एक मिनट, कुछ होगा शायद, ले लेता हूं मैं। हाँ जी, मिल गया। ठीक है, अगर ध्यान से समझो, देखो ये क्या है, हमारा कंपाउंड है, दो कंपाउंड सेम है। इसको अगर सेम कंपाउंड बोले, ये सपोज CH3 CH3 है ऊपर वाला, और नीचे जो मेरा बचा, नीचे आप सपोज मान लो कि नीचे को यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक मिनट, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक, ये दोनों हाथ मेरा क्या हाइड्रोजन है, और ये CH3 है, तो ये कैसा हो गया, एक स्पेस मैनेजमेंट हो गया। और अगर इसी को हम पलट दें, देखिए इसी को अगर पलट देते हैं, तो ये अलग हो गया, ये दोनों
चल गया। तो ये स्पेशियल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, केमिकल फॉर्मूला सेम, ठीक है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम, लेकिन इसका स्पेस अरेंजमेंट अलग होने के कारण इसका भी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाता है। ठीक है, पहले सीस था, इसको सीस कहेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसको सीस कहेंगे, और अपोजिट साइज में हो गया तो क्या हो गया, ट्रांस हो गया। ठीक है, इस तरह से होता है। अगर आगे बात करें हम स्ट्रक्चरल और कंस्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म को, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम। देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का सब टाइप हम लोग जनरली स्ट्रक्चरल पढ़ना है, स्टीरियो अभी बाद में पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चरल पढ़ना है तो स्ट्रक्चरल का टाइप होता है, पहला आता है आपका रिंग चैन। ठीक है, रिंग चैन, ठीक है, रिंग भी रहेगा चैन भी रहेगा। रिंग चैन आइसोमरिज्म में होता क्या है कि एक आपका रिंग रहेगा, एक इसका क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका ध्यान है ना आपको, डिफिनेशन क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट करेगा। तो इसका क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, वैसी का एक स्ट्रक्चर रिंग बनेगा, एक बनेगा क्या चैन बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो ये एग्जांपल हो गया हमारा CH3CH2। ठीक है, ये सपोज मैंने एग्जांपल लिया, क्या ये प्रोपाइन है, सॉरी प्रोपीन है, क्या प्रोपीन है, और इसी को हम क्या बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं। रिंग अगर बनाए तो क्या बना हमारा, साइक्लोप्रोपेन बना। देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला तो एक सी 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 थ्री सी सी थ्री एच थ्री वन फोर टू फाइव सी थ्री एच फाइव। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हुआ, सी सिक्स हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि थ्री वन फोर टू सिक्स सी थ्री एच सिक्स यहाँ भी और यहाँ भी क्या है, एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ, एक हाइड्रोजन इधर, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। कार्बन कितना है, तीन है, तो इसका भी क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी थ्री, हाइड्रोजन कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। देखिए, सेम है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन इसका क्या डिफरेंट है, एक इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक रिंग बन रहा है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम रिंग भी बना सकते हैं और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम चैन भी बना सकते हैं, ओपन चैन भी बना सकते हैं। तो ये हमारा रिंग चैन आइसोमरिज्म कहलाता है। ठीक, और सेकंड जो आता है हमारा क्या, टॉटोमरिज्म। एक आता है टर्म हमारा टॉटोमरिज्म, टॉटोमरिज्म, टॉटोमरिज्म कहने का मतलब है कि देखिए, एक जो एटम है उसको टू एंड फ्रो ओसिलेशन के कारण, मेनली हाइड्रोजन एटम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बन जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो इसका भी मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है। तो देखिए, अगर कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म, आपने नाम शायद सुना होगा, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, ये क्या हुआ, कीटोन बना है। ठीक है, अब इसी टोटोमराइज होगा, कहीं ना कहीं इसका हाइड्रोजन एटम इधर उधर करेगा, तो ऐसा कुछ बनेगा सी एस टू ओ एच सी एस थ्री। इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला देखो तो कितना होगा, बताइए ध्यान से, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, सी थ्री, हाइड्रोजन कितना है, थ्री थ्री सिक्स, सी थ्री एच सिक्स, ऑक्सीजन एक है, सी थ्री एच सिक्स ओ, इसका बताइए सी थ्री, दो हाइड्रोजन, तीन दो पांच और एक हाइड्रोजन, ये सिक्स सी थ्री एच सिक्स ओ, एक ओ यहाँ भी है। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, और कीटो और इनोल, ये क्या फॉर्म है, ये है कीटो फॉर्म और ये है इनोल। इनोल बोले तो ओल लगा हुआ है, मीन्स कहीं ना कहीं अल्कोहल अरेंज है, अल्कोहल है इसमें, इसीलिए कीटो फॉर्म से क्या बना है, हमारा इनोल फॉर्म में बन गया। ठीक है, तो ये किसके कारण हुआ, एक एटम के मूवमेंट के कारण, मींस एक कौन सा एटम रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए, हाइड्रोजन एटम। देखिए ध्यान से, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से उठकर कहाँ, यहाँ चला गया, और फिर ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, तो कुछ ऐसा बन गया, OH यहाँ पे आ गया और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो कीटो से इनोल बना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टॉटोमरिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, टॉटोमरिज्म। किसके कारण हो रहा है, तो हाइड्रोजन के ओसिलेशन के कारण, और वहीं पे इसको अगर फिर से इनोल से कीटो बनाना है तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को वापस हम इसको दे देंगे, सी एस थ्री हो जाएगा, डबल बॉन्ड वापस, अरे दे दो भाई मेरा डबल बॉन्ड ले गए थे तुम, दे दो, तो ये अपना क्या करेगा, डबल बॉन्ड मांग लेगा, छीन लेगा। ठीक है, तो फिर से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आता है टॉटोमरिज्म, जिसमें क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन इंटरकन्वर्टिबल रहता है, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इसका एग्जाम्पल आता है आपका कीटो इनोल टॉटोमरिज्म, आप कह सकते हो। ठीक, फिर आता है हमारा क्या, फंक्शनल आइसोमरिज्म। टॉटोमरिज्म हो गया, फिर आता है हमारा फंक्शनल आइसोमरिज्म। देखिए नाम से क्लियर है आपका, फंक्शनल आइसोमरिज्म में कहीं ना कहीं किसका चेंजिंग होगा, फंक्शनल ग्रुप का चेंजिंग होगा, कहीं ना कहीं आपका फंक्शनल ग्रुप में बदलाव आने वाला है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड हो सी एस थ्री, और ये ले लो, ये क्या हमारा कीटोन है, क्या है
कीटोन है ना, बिल्कुल। और देखिए एक और ये ले लेते हैं, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। अब इसका हम अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला निकाले तो सेम है कि नहीं, कार्बन कितना है 1 2 3, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6, C3H6, ऑक्सीजन 1 मिला। फिर यहाँ कार्बन बताइए 1 2 3, C3H6, H3 3 2 5, 5 1 6, H6O। देखिए ध्यान से देखिए, जादू हुआ कि नहीं, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला लेकिन फंक्शनल ग्रुप में चेंजिंग आ गया। यहाँ कीटो फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है, और यहाँ पे अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। चेंजिंग आया कि नहीं, आया ना, तो बस वही देखना है फंक्शनल आइसोमरिज्म में। फंक्शनल आइसोमरिज्म में क्या, फंक्शनल ग्रुप में चेंजिंग आ जाता है। कंपाउंड हम एक सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इट्स कॉल्ड फंक्शनल आइसोमरिज्म। लिखना क्या है, कंपाउंड हैविंग, आपका इसका डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, डिफर करेगा, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, फंक्शनल आइसोमरिज्म कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब एक टर्म आता है मेटामर्स, ठीक है, मेटामरिज्म आपने शायद ही नाम सुना हो, मेटामरिज्म अगर आपने 12 में पढ़ा हो तो, ठीक है। तो फिर एक टर्म आता है क्या, मेटामर्स। मेटामर्स क्या होता है ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा लेकिन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफर हो जाएगा। अल्काइल ग्रुप का जो साइज रहेगा ना, एक साइड में ज्यादा अल्काइल ग्रुप सब प्रोपेन आ गया, और एक साइड में बस क्या रहेगा, मिथाइल आ गया। एक साइड में मिथाइल आ गया, एक साइड में प्रोपाइल आ गया, इस तरह से इसको मेटामर्स कहेंगे। एग्जांपल से अगर बात समझे, देखिए यहाँ पे एग्जांपल है CH3CH2O CH2CH3, क्या है, डाइथाइल इथाइल। ये अगर ओ, मैंने आपको बताया था कि जहाँ ओ लगा उसको ईथर कहते हैं, ईथर कहते हैं, तो इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो इसको हम लोग डाई इथाइल लिख सकते हैं। इधर इथाइल इथाइल दोनों तरफ, डाई इथाइल ईथर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी का अगर और एक और बनाया जाए तो कैसे बना सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हो CH3O CH2CH2CH3, ठीक। प्रोपाइल मिथाइल इधर, इधर वाला को पहले लिखते हैं इसमें प्रोपाइल, इधर क्या है प्रोपाइल है, ये है मिथाइल, मिथाइल इथर। अब ध्यान से देखिए ये मेटामर्स कैसे हुआ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं, कितना आएगा हमारा 1C, कार्बन जोड़िए पहले 1 2 3 4, C4 हाइड्रोजन 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, C4H10 ऑक्सीजन 1, C4H10O, इसका कार्बन 1 2 3 4, C4 हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, C4H10O। इधर देखिए मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम आ गया लेकिन डिफर कहाँ कर रहा है, साइज ऑफ ग्रुप, जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसमें डिफर कर रहा है। इधर कितना है, अल्काइल ग्रुप 2 है, इधर भी 2 है, और यहाँ पे देखिए इधर एक ही अल्काइल ग्रुप है और इधर 3 अल्काइल ग्रुप है, तो ये आपस में क्या हुआ, मेटामर्स हुआ कि नहीं हुआ, होगा बिल्कुल होगा। मेटामर्स वही कहता है कि अगर आपका सारा कुछ सेम रहे, ठीक है ना, कंपाउंड है मिक्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन और ऑन आइदर साइड ऑफ द एटम, एक एटम के बीच अलग या एक फंक्शनल ग्रुप के बियॉन्ड आपका जो साइज है अल्काइल ग्रुप का वो डिफर करे, तो उसको हम लोग मेटामर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं। यहाँ ध्यान से आप देख सकते हो, यहाँ साइज डिफर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इसको मेटामर्स कहते हैं। फिर आता है हमारा चैन आइसोमर, क्या आता है, चैन आइसोमर। चैन आइसोमर आपको नाम से क्लियर होगा, कहीं ना कहीं उसमें चैन होगा, क्या होगा, चैन। फिर आता है क्या, चैन आइसोमर। देखिए चैन आइसोमर कहने का मतलब है, अगर आपको एग्जांपल दिया जाए तो ये चैन में डिफर करेगा, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। ये क्या है, पेंटेन है, पेंटेन है हमारा। तब हम अकेले देखो तो कंपेयर नहीं कर सकते कि ये चैन आइसोमरिज्म है। हम लोग जो आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं ना, उसमें कंपेरिजन होगा दो लोगों के बीच में, ठीक है। दो कंपाउंड देख के हम बताएंगे कि हाँ ये आपस में कौन है, रिंग चैन है कि टॉटोमर्स है कि फंक्शनल है। ऐसे हम सिंगल आपको कंपाउंड दे दिया जाए तो आप क्लियरली बोलो कि नहीं, हम नहीं बता सकते, क्योंकि मिनिमम दो कंपाउंड तो हमको पास होना चाहिए।
अब देखिए इसका चैन आइसोमर अगर आपसे पूछ ले कि इसका चैन आइसोमर बना के दिखाओ, तो आप कैसे बनाओगे? आपको नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है, रूट वर्ड में कितना कार्बन है मेरा 5 है। लेकिन अगर चैन आइसोमर होने के लिए जो हम अगला आइसोमर बनाएंगे उसमें रूट वर्ड में 5 कार्बन नहीं होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए, ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें इसका CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH3 CH3, ठीक है, कितना आ गया 1 2 3 4 5। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोपेंटेन कहते हैं, आइसोपेंटेन कहेंगे। इसमें रूट वर्ड में कितना कार्बन है 1 2 3 4। नंबरिंग किधर से करेंगे, किधर से करेंगे नंबरिंग, ऑफ कोर्स इधर से करेंगे, क्योंकि सबसे नजदीक किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है सेकंड पे, इधर से 1 2 3rd पे, तो ये मेरा नंबरिंग नहीं होगा, नंबरिंग 1 2 3 4 इधर से करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा सब कितना रूट वर्ड में टोटल कार्बन कितना है 1 2 3 4, 4 है, तो इसका ये चैन आइसोमर होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम एक और लेते हैं आइसोमर इसका, ठीक है, बनाते हैं CH3 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 CH3। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है आपको, देखिए इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला बात करें तो कितना आएगा, कार्बन कितना है C5H3 2 5 5 2 7 2 9 9 3 12, C5H12। इसका बताइए C5 है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, C5 हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 3 12, C5H12 मॉलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। अब देखिए ये चैन आइसोमर है कि नहीं, बताइए चैन आइसोमर है कि नहीं, है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कितना कार्बन है 3 है, रूट वर्ड में 3 कार्बन है, इसमें रूट वर्ड में कितना है 5 है, तो अलग अलग है, इसीलिए ये चैन आइसोमर होगा। अगर रूट वर्ड में वर्ड रूट में सेम कार्बन आ जाता है तो क्या होगा, चैन आइसोमर बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है, क्लियर है आपको चैन आइसोमर, ठीक। अब इसके बाद आता है मेरा क्या, पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, ठीक है, आपको नाम से क्लियर होगा, पोजिशनल आइसोमर कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हम पोजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसका पोजिशन, तो या तो डबल बॉन्ड का पोजिशन, या फिर किसी सब्स्टिट्यूएंट का पोजिशन, या फंक्शनल ग्रुप का पोजिशन। पोजिशन कहने का मतलब है अगर मेरा मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम रहे लेकिन उसका पोजिशन डिफरेंट रहे तो उसको हम लोग पोजिशनल आइसोमर कहेंगे। अगर पोजिशनल आइसोमर का एग्जाम्पल देखें तो यह हो जाएगा आपका CH3CH, ये हमारा हो गया क्या, अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए आप, कार्बन 1 2 3 4, C4 हाइड्रोजन 3 1 4 4 1 5 3 8, C4H8, इसका 1 2 3 4, C4 हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 2 8, C4H8, है कि नहीं, सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन ये कैसे पोजिशनल आइसोमर कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम किसका बात कर रहे हैं, पोजीशन का, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन देख लो, यहाँ पे ये कितना पोजीशन पे है 1 2, सेकंड नंबर के पोजीशन पे आ रहा है मेरा डबल बॉन्ड। इसका बात करें इधर से करेंगे नंबरिंग, बिल्कुल इधर से करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के नजदीक जिधर होगा उधर से नंबरिंग करते हैं, हमने पढ़ा था कि नहीं, बिल्कुल पढ़ा था, ठीक। तो इधर से कितना नंबर पे आएगा मेरा 1, फर्स्ट ही नंबर पे आ जा रहा, तो क्या हुआ, पोजीशन डबल बॉन्ड का डिफर हुआ, इधर से सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, इधर से फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, इसको हम लोग पोजीशनल आइसोमरिज्म कहेंगे, कहेंगे बिल्कुल कहेंगे, ठीक है, पोजिशनल आइसोमरिज्म कहेंगे। तो ये था हमारा क्या, आइसोमरिज्म का स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का टाइप, जो कि हमको पढ़ना है यही सेकंड सेमेस्टर में, आपको याद करना पड़ेगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए एक ट्रिक टाइप का आता है थोड़ा, RT FMCP, रिंग चैन टॉटोमर फंक्शनल मेटामर्स चैन पोजिशनल, याद करना आपको RT FMCP, टोटल कितने हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, 6 हैं, बिल्कुल RT FMCP, रिंग चैन टॉटोमर फंक्शनल मेटामर चैन पोजिशनल, कौन कौन बोलिए बोलिए बोलिए, रिंग चैन T4 टॉटोमर्स, F4 फंक्शनल, M4 मेटामर्स, C4 चैन, P4 पोजिशनल, बिल्कुल सही RT FMCP, रिंग चैन टॉटोमर फंक्शनल मेटामर्स चैन पोजिशनल, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, आपको याद करना पड़ेगा स्ट्रक्चरल आइसोमर का टाइप, रिंग चैन टॉटोमर फंक्शनल मेटामर चैन पोजिशनल, RT FMCP, बिल्कुल याद हो जाएगा। अब एक छोटा सा क्या आता है ना, एक कंसेप्ट है हल्का सा, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, अब कैसे पहचानोगे कौन अल्फा कार्बन है कौन बीटा कार्बन है, ठीक है, कौन सा अल्फा हाइड्रोजन है कौन सा
अल्फा हाइड्रोजन नहीं है या कौन सा बीटा हाइड्रोजन है। ठीक, इसको देखने के पहले देखिए, एक जैसे लिए एग्जांपल CH3 CH2 CH2। देखिए कितना प्यारा सा मॉलिक्यूल है, इसका कोई नॉमेनक्लेचर बता सकता है? बताइए जरा नॉमेनक्लेचर, बताइए इसका क्या होगा। स्टार्टिंग नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 4, इट्स 4 4 या 4 4 या 4, क्या बोलते हैं जो भी बोलो, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारा क्या बना, मिथ इथ प्रो ब्यूट ब्यूट एन, सिंगल बॉन्ड है एन ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड हुआ। मेरा ये मतलब नहीं था, आईपीसी नोमेनक्लेचर तो क्लियर होगा शायद आपको, अगर आपने रिवीजन ना किया है तो क्लियर नहीं होगा, आप किया है प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑफ कोर्स क्लियर होना ही है, और बिल्कुल नहीं भूलोगे अगर एक बार क्लियर हो गया। ठीक है, तो बताओ ब्यूटेनोइक एसिड में अल्फा कार्बन कौन है, बीटा कार्बन कौन है? ये अल्फा कार्बन है क्या? नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जो पहला कार्बन अटैच रहता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप से दूसरा कार्बन अटैच रहता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं, ठीक है, तीसरा रहा तो गामा। ठीक है, ऐसे चलते रहता है, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा हो उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा हो उसको हम लोग बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। अब बताओ यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन बताना जरा, कितना है? दो है, दो अल्फा हाइड्रोजन, बिल्कुल सही जवाब, दो अल्फा हाइड्रोजन है बिल्कुल। अब यहाँ पे बताओ कितने बीटा हाइड्रोजन है, ये भी दो है, बिल्कुल सही जवाब, दो बीटा हाइड्रोजन यहाँ भी है, दो अल्फा हाइड्रोजन दो बीटा रहा है। अल्फा का बीटा कार्बन कितने हैं, बीटा कार्बन कितने हैं? एक ही बीटा कार्बन है, सही है, एक ही बीटा कार्बन है। अब यहां पे एक और कार्बन लगा दे तो CH2 CH3, अब बताओ इसमें बीटा कार्बन कितने हैं? एक है? नहीं यार, एक नहीं है, कैसे? अल्फा ये बीटा, देखो बीटा कार्बन यहां भी आ गया, तो दो बीटा कार्बन हो गया हमारा, बीटा कार्बन दो है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा कंसेप्ट था अल्फा और बीटा, जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन रहेगा उसको अल्फा कार्बन कहेंगे, अल्फा कार्बन से जितना हाइड्रोजन लगा रहेगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, बीटा कार्बन से जितना हाइड्रोजन रहेगा उसको बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये था हमारा आइसोमेरिज्म, आपका यूनिट फर्स्ट समाप्त हो चुका है फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर का, तो होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि अगर मैं भी जो भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले अपडेट आपको मिले और आप उसे अच्छे से सीखो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, और हमारा वेबसाइट जल्दी से लॉन्च होने वाला है, हो सकता है आप देख रहे हो तो लॉन्च हो भी गया हो। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।